जानबूझकर अर्शी से शो हार जाएगी झनक, लेकिन क्यों? हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, झनक सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि झनक सेमीफाइनल का राउंड क्लियर करने के बाद फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है और फाइनल में झनक का मुकाबला होने वाला है अर्शी के साथ में। और यहां पर जो कोई भी इसे जीतेगा वही होने वाला है शो का विनर। और ऐसे में आप देखेंगे कि स्टेज पर झनक और अर्शी उतरते हैं और दोनों ही अपने परफॉर्मेंस से आग लगा देते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस ही अव्वल नंबर का होता है। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। किसी का भी परफॉर्मेंस किसी से भी कम नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झनक का परफॉर्मेंस अर्शी के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 1% ज्यादा है झनक का परफॉर्मेंस। इसका साफ मतलब है कि इस शो को जीतने वाली है झनक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। झनक और अर्शी आते हैं और बहुत ही ग्रेसफुली अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। इस डांस परफॉर्मेंस के दौरान आप देखेंगे कि झनक और अर्शी दोनों ही अपने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा है और उन्हें ये मुखौटा नहीं हटाना है। लेकिन आप देखेंगे कि डांस करते करते ही झनक का मुखौटा हट जाता है। उसके बाद अर्शी की मॉम खड़ी होकर ताली बजाने लगती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिसका मुखौटा हट जाएगा वो हार गया, वो पीछे हट गया। उसके बाद भी परफॉर्मेंस तो चलता रहता है, लेकिन जो झनक का लेवल था, जो एनर्जी लेवल था, जो उसके ग्रेस थे, वो सब कुछ डाउन होता चला जाएगा। यानी कि झनक ना तो पहले जैसा परफॉर्म कर रही है, ना ही उसके चेहरे पर वैसा ग्रेस है। और इससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि अर्शी ज़्यादा बेटर कर रही है झनक से। और ऐसे में यही होता है कि शो की विनर बन जाती है अर्शी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि अर्शी ने कोई जालसाजी नहीं की है झनक को हराने के लिए, और ना ही झनक का मुखौटा गलती से गिरा है, बल्कि आपको पता चलने वाला है अपकमिंग एपिसोड में कि झनक अपना मुखौटा जानबूझकर खुद गिरा लेती है और वह खुद अपने परफॉर्मेंस को अर्शी के परफॉर्मेंस से कम कर देती है। यानी कि झनक इतने बड़े शो को जानबूझकर हार जाती है और अर्शी को जीतने देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर झनक ने ऐसा क्यों किया? हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में, सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।